वो लौट आई हैं अपने दिए की रक्षा करने के लिए, एक बार फिर रंगोली बनाने के लिए और अपने परिवार को एक बार फिर संजो कर रखने के लिए। और कौन? पार्वती भाभी। जी हाँ, कहानी घर घर की का री रन होने वाला है और इसीलिए हुआ री यूनियन पार्वती भाभी का और पल्लवी का, और वहां हम भी मिल गए उनको। यानी इस मंगलवार से हर दोपहर 3:30 बजे, भूलना मत, हर दोपहर 3:30 बजे से स्टार प्लस पर। अक्सर ये कहा जाता है कि जो कहानी ही खत्म होती है ना, वो फिर शुरू भी तो होती है। ही कुछ ऐसी ही बातों को कैसे सच साबित कर दिया गया है, जरा आप देख लीजिए। अपने टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होंगी पार्वती भाभी और पल्लवी, जिनका रिश्ता देवरानी जेठानी का था। और ये देवरानी जेठानी का रिश्ता आपको हर घर में देखने मिलेगा, क्योंकि ये कहानी एक घर घर की जो है। और पार्वती को यूं देखकर एक साथ साथ हैरान मत होना, यहाँ पर ये दोनों आज कोई जंग नहीं लड़ने वाले हैं, ना ही इनके बीच कोई चैलेंज होगा। दरअसल यहाँ पर तो ये इकट्ठा हुए हैं अपने दर्शकों को ये बताने के लिए कि हम दोबारा आ रही हैं आपके घर में अपनी कहानी लेकर। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 12-14 साल पीछे चला गया हूँ, क्योंकि मुझे एक बार फिर पार्वती भाभी मिल गई हैं। आप लोग तो सबसे पहले हमारे विजिटर्स थे सेट पे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है मिलके। बहुत टाइम के बाद हम लोग मिल रहे हैं, आई थिंक पता नहीं काफ़ी अर्सा हो गया है। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये यादें एक बार फिर ताज़ा हो रही हैं स्टार प्लस के कारण, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि बहुत कम लोग इतने ब्लेस्ड होते हैं कि एक ही शो दो बार दर्शकों तक पहुंचे, और वो भी इतने सालों के बाद। सबसे अच्छी बात यह है कि शो की यादें आज भी लोगों के दिमाग में, लोगों के दिल में ताज़ा हैं। और मुझे बताया कि कितने लोग एक्साइटेड हैं, सोशल मीडिया पे इसकी चर्चा है कि लोग एक्साइटेड हैं कि अरे वाह, एक बार फिर से उन्हें कहानी घर घर की देखने को मिलेगा। तो मुझे भी उतना ही एक्साइटमेंट हो रहा है, मुझे भी देखना है कि मैं कैसे काम करती थी पहले। और बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग है, एक ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे कोई मशीन हाथ में आ गई जिससे पास्ट में जाने का मौका मिल रहा है, तो वो सारी यादें फिर से ताज़ा करेंगे। मुझे लगता है कि आप अभी भी पास्ट में ही हैं, क्योंकि बिल्कुल नहीं बदली। हाँ, और आज तो बिल्कुल वैसी लग रही है, मतलब वही गेटअप, वही सब कुछ। आज तो खास दिन है, क्योंकि लोगों से मिलना था बताने के लिए शो के बारे में, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं फिर से एक बार पार्वती की तरह तैयार हुई इतने सालों के बाद, 14 सालों के बाद। और मेरी टीम ने पूरी कोशिश की है कि मैं वैसी दिखूं, तो आई थिंक उन्हीं को क्रेडिट जाता है। पल्लवी एक बार फिर लौट रही है पार्वती की जिंदगी में तूफान लाने के लिए। यस, बिल्कुल, वेरी एक्साइटेड। जी, इतने सालों बाद शो दोबारा आ रहा है। लगा था कि नई कहानी होगी, नए लोग होंगे, एंड देन फिर मैंने प्रोमो देखा आई थिंक इंस्टाग्राम पे कहीं पे, एंड देन आई कॉल्ड अप स्टार अगेन, आई वाज लाइक हेलो हैंग ऑन इज इट, बिकॉज तब पहले बात हुई तो मुझे लगा यही होगा, देन आई सेड कि हम लोग ही वापस आ रहे हैं। सो शी वाज लाइक या, आई वाज लाइक रियली, दैट इज सो एक्साइटिंग। सीरियल की पहचान भी चांटे ही हुआ करती थी, और हमारे प्रोग्राम का जो मॉन्टाज था वो भी चांटे से शुरुआत होते थे, क्योंकि सीरियल में चांटे मस्ट, मतलब जरूरी थे बहुत। पॉइंट, चांटों से जितने चांटे उतनी टीआरपी। आजकल वो नहीं है, पर आई एम श्योर देयर आर मेनी गुड चेंजेस एज वेल, बट स्टेइंग पावर होने के लिए कुछ खास बात होती है।
ना, तो आई थिंक मैं तो बायस्ड हूँ। आई थिंक कि कहानी में कुछ खास बात थी तभी दोबारा वापस आ रहा है और तुम्हारा, हम इतने एक्साइटेड हैं, आप लोग इतने एक्साइटेड हैं देखने के लिए। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्टार प्लस अपना मेगा शो कहानी घर घर की दोबारा से शुरू कर रहा है। अब इतना बड़ा आइकॉनिक शो जब दोबारा रीरन हो तो भला इसका प्रोमो शूट तो बनता ही है ना, और इस प्रोमो शूट में घर की बहू पार्वती तो होनी ही चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ आपकी प्यारी पल्लवी। मैं पार्वती और मेरा परिवार एक बार फिर आपसे मिलने आएगा। मैं फिर आ रही हूँ अपनी प्यारी पार्वती भाभी की जिंदगी में। तूफान तैयार है? आपका फेवरेट शो कहानी घर घर फिर से शुरू हो रहा है हर रोज 2 अगस्त से दोपहर 3:30 बजे फिर स्टार प्लस। अब साक्षी तंवर और पार्वती से हमारा भी तो पहले दिन का रिश्ता है, तो जब इतने सालों बाद पार्वती यानी कि साक्षी ने हमें देखा तो देखिए वो कितनी खुश हो गई। अब इस सालों के बाद मिल रही हैं तो ये खुशी तो बनती ही थी। श्वेता क्वात्रा का भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन था। आज आप आए हैं आपके लिए स्पेशली। मुझे पता चला कि आप आ रहे हैं तो हाउ आर यू, आइए। इस सच में इस शूटिंग के दौरान ऐसा लग रहा है कि हम अब भी कहानी घर घर की के सेट पर हैं। दर्शकों के लिए पार्वती भाभी के साथ ये प्यारा सा सफर फिर से शुरू होगा, जिसकी एक्साइटमेंट सितारों को भी खूब है। मुंबई से संदीप पंड्या के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।